हैप्पी लोहड़ी। ये ना लोहड़ी वाली पोयम होती है। आएंगे आज देखियो कितने ऐसे गाते गली में आएंगे आज कहेंगे लोहड़ी पा दे कुछ ला के दिया ना मूंगफली ला के दी घर पे ना कोई सामान ना कोई पॉपकॉर्न वो क्या दूंगी मैं उनको ये तो पता है कि आएंगे रात को आ जाना बस यही बोल रही हूँ मैं दो दिन से लोहड़ी पे आ जाना। हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी पापा बाय मोहित। हेलो ये हमारे प्यारे प्यारे जिनके बिना हमारा सरता नहीं हमारी लाइफ लाइन जो छुट्टी मारेंगे अब दो तीन दिन के लिए। फोगी फोगी हो रहा है पूरा मौसम ठंड होएगी तभी तो लोहड़ी की आग सेकने का मजा आएगा तो आज ठंडा मौसम है बढ़िया। और गाय सुबह सुबह लाइन लगा लिए जैसे बाहर निकले इनको लगता है कि हमारे लिए कुछ ले आए हैं। अरे बहन तेरे लिए कुछ नहीं है मेरे पास अभी ठीक है जी कब तक है लेक्चर 12 बजे ये मांगने के लिए खड़ी है लोहड़ी अभी नहीं है तैयार हमारे पास सामान बाद में आना शाम को। मोहित ने कुछ नहीं ला के दिया मुझे लगता है धुंध बढ़ती जा रही है ये उतना ही मौसम है। हैप्पी लोहड़ी वो कहाँ पे है सीरत अंदर है अब चलो हैप्पी लोहड़ी थैंक यू आप भी बोलो हैप्पी लोहड़ी थैंक यू आई विश एंजॉय। इधर आजा ठंड लग जाएगी सिरत आ रही आपके घर खेलने। हैप्पी लोहड़ी मैं भी बोलो दीदी को हैप्पी लोहड़ी सेंड यू चीज मिल गई ये क्या है कुर्ता जमा डालेगा आज तुम लोहड़ी आज हाविश का तो ड्रेस तैयार है वही कहता मैंने कुर्ता जमा डालना है। हाविश अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है ना हाविश को भी नहलाने का टाइम तो नहीं है मेरे पास आएगा तो नहीं जब टीवी बंद कराऊंगी पक्का कर देगा भाग के बंद ठीक है कर देना तो चला रही हूँ मैं ठीक है। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज है दिन 13th of January का और आज है दिन लोहड़ी के फेस्टिवल का तो अभी जो है वो दिन की शुरुआत हो चुकी है। हैविश को मैंने टीवी पे बिठा दिया है एक्चुअली 11:30 का टाइम हो चुका है और मैं सोच रही थी कि जितनी देर वो टीवी से दूर रहे उतना बढ़िया है लेकिन ऑफकोर्स बच्चे कहाँ मानते हैं तो उसको फाइनली मैंने टीवी पे बिठा दिया है और मुझे करना है क्योंकि बहुत ज्यादा काम मुझे बनानी है आज भाजी पाव भाजी जो है वो खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि लोहड़ी का फेस्टिवल है तो कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मन कर रहा था तो अभी जो है मैं बस मैं उसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ और हैविश बैठे अपने टीवी पे और मोहित जी गए हुए हैं काम पे। अब मैं पाव भाजी की जो है तैयारी शुरू कर रही हूँ बहुत सी सब्जियां जो वो कट करनी है इसके लिए मैं किचन के अंदर नीचे ही बैठ गई हूँ आराम से। मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मैं ये शिमला मिर्च इसके अंदर डालने वाली हूँ उसके अलावा ये गाजर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पोटैटोज जो है वो बॉयल हो रहे हैं वो इसके अंदर जाएंगे उसके अलावा ये गोभी जो है वो पत्ता गोभी और दूसरी फूल जो ये फूल गोभी होती है वो भी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ और अभी मैंने इसको गर्म पानी में हल्दी नमक वाले पानी के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना हो इसके अंदर और वो साफ जो है वो निकल आए इसकी वजह से इसको भिगो के रखा हुआ है। उसके अलावा हम यहाँ पर ये मटर भी इसके अंदर डालने वाले हैं तो फटाफट से बस काम शुरू करती हूँ चॉपर्स रेडी है साथ में मेरे और फटाफट से काम हो जाएगा। अब भाजी तो रेडी हो चुकी है बस पाव लाने बाकी हैं हैविश और मैं वही लेने जा रहे हैं अभी फटाफट से ठीक 100 ले लिए वेरी गुड आपको कैसे पता ये 100 रुपीज है सब समझ आ जाती है बच्चों को। अब हैविश और मैं लेने जा रहे हैं पाव आके हैविश को नाई नाई करा के पूरे ट्रेडिशनल लुक में तैयार कर देंगे खुद भी तैयार हो जाएंगे और मम्मा और आने वाले हैं कौन आने वाला अपने घर पे उदीश नानी नहीं लेगा ना बेटा गिर जाएगा पहले मामू को फटाफट से बोलो हैप्पी लोहड़ी मामू थैंक यू मेरे बेटा सेम टू यू थैंक
क्यू। अभी मेरे मामा जी के बेटे आए हुए थे, बस वो अभी गए ही हैं। हैविश अभी तक टीवी देख रहा है, फटाफट से बस अब नहा धो के रेडी होते हैं। बहुत लेट हो चुका है, अब शाम का टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं और हम अभी तक नहाए भी नहीं है, माँ बेटा दोनों ही। तो हैविश को फटाफट से पहले रेडी करती हूँ, फिर होती हूँ मैं रेडी। ये बाहर निकल गया है क्योंकि मैं इसकी पगड़ी डाल रही हूँ ना, इसलिए पगड़ी बनाऊंगी मैं तेरे। आजा, नहीं बनवानी। मोहित कैसा लग रहा है ये? पापा आ गए। पापा पापा नहीं देख पाएंगे, मैं तो छोटा हो गया। मैं भी छोटा हो गया। कैसा लग रहा है हैविश? ये लग रहा है पठान। पठान लग रहा है। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस वेट है मम्मा और के आने का। और ये रहा हमारा हैविश जो पहले से ही रेडी है। हैविश दिखाइयो, थोड़ा पीछे हो। हाँ थोड़ा पीछे हो। ये देखो हैविश ने कुर्ता पजामा वियर किया है, और मैं ट्रेडिशनल तो कुछ डाला नहीं क्योंकि गर्मियों का ऑफ कोर्स होता है ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा। और यस वैसे कुर्ती डाली है मैंने। और यहाँ पे हो रही है लोहड़ी की तैयारी। मेन तैयारी तो ये दोनों जने कर रहे हैं लोहड़ी की, है ना। हमने तो सिर्फ एक्स्ट्रा तैयारी की है, मेन तैयारी तो आप लोग ही कर रहे हो। वो देखो हैविश भी हेल्प कर रहा है आपकी। वेरी गुड हैविश, ध्यान से बेटे, लकड़ थोड़ी सी लग ना जाए कुछ। तो लकड़ियां जो है वो छत से निकाली जा रही हैं। एक्चुअली छत पे बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके रखते हैं मोहित हमेशा से। ऊपर से व्यू, ओ कितना अच्छे से दिख रहा है ना उस हैविश का कैटी हाउस भी दिख रहा है ऊपर से, क्या गंद भरा हुआ है उसके अंदर, है ना। पूरा पार्क भी अच्छे से दिख रहा है। ये है मेरे दूसरे देवर जी, आकाश का बड़ा भाई। ये साथ वाले घर में लोहड़ी की तैयारी हो रही है और साथ ही बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे लोहड़ी मांगने वाले। तो एक्चुअली मोहित जी के जो चाचा जी हैं उनके दो बेटे हैं आकाश और अंकित। अंकित जो है वो नीचे आया हुआ है, आकाश जो है वो डेली क्लासेस लगाने आता है, और अंकित जो है वो डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, MD कर रहा है इस टाइम पे, तो वो बाहर ही रहता है और अभी वो आया हुआ है। और हैविश का अच्छा फ्रेंड भी है वो। हाँ ध्यान ना जाना। ये है वो टीचर जो VR ग्लोबल स्कूल में जॉब करता है। लोई है कि पागल जो सरकारी स्कूल आता है। ये डाउन टू अर्थ ताई सा ग्लोबल नाम है स्कूल का, डाउन टू अर्थ ग्लोबल। तो आज की लोहड़ी सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सबके साथ। मम्मा और आए थे लोहड़ी फेस्टिवल के लिए मुझे गिफ्ट्स वगैरह देने, तो वो भी आए हुए थे, वो भी चले गए हैं अभी। और बस अभी टाइम हो चुका है लगभग 11:15 का, और बस हम भी अंदर ही जा रहे हैं सोने के लिए। ओके एवरीवन, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट आपको मिलते रहें। ओके एवरीवन, अगेन हैप्पी लोहड़ी।